देवघर में 9 वर्षीय बच्ची के साथ एक बुजुर्ग के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। देवघर में एक वृद्ध द्वारा 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार देर शाम मोहनपुर थाना क्षेत्र के सरसा गांव में घटी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता को अकेले देख वृद्ध ने बहला फुसला कर घर के समीप एकांत में ले गया और उसके साथ गलत कार्य की कोशिश की गई। बदहवास बच्ची जब घर पहुंची तो उसका हाल देख परिजन ने पूछताछ शुरू कर दी। अपने परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए बेहोश हो गई। परिजन ने थाना को सूचना दी। पुलिस पीड़िता के घर पहुंच घटना की जानकारी ली और मामला दर्ज करते हुए आरोपी वृद्ध को गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। मतलब छाते उते हम तरला से और कर दो दे ठीक कर ला सब मत कर ला। हाँ बच्ची हमरा ऐसे घर में बोल लगा तगर बाद ये दो बात बोल लगा कि इतना मतलब ये छाते उते हम तर का कर दो लगा तगर बाद हम बेहोश भेज ला। अच्छा तो था ना बेहोश हो गया तो उसको होश नहीं हुआ था, यहाँ उठा पटा के मानपुर लाए। अब मानपुर से सफर करती है यहाँ। की नाम छो? की होलो छ घटना? घटना सर घटना तो ये जो लड़की जो हम लोग कौन लड़की केकरा लड़की हम लोग लड़की जो कत्ते उम्र छ? 9 साल का। की नाम? रूबी कुमारी। अच्छा ठीक। की होलो छ? रूबी कुमारी वैसे टका लेके जो ने आला छला इने 6 बजे के समय इने बेयार लगा। अच्छा तो उसने छोटा सा पकड़ लगा जरा पकड़ लगा पकड़ला के बाद में उसका मैंने गोदी उठा लगा गोदिया में छटपटा लगा उसको मैंने बैठा करके उसको दस नस करने लगा सर। अच्छा लड़की का नस नस उसने लगा पैंट खोल दिया सर पानी थी तो ही आ करके उसके बाद लड़की घर गई और घर में चीख चिल्लाते हुए बना हुआ वो बेहोश में पड़ गया। बेहोश में पड़ने पर गाँव घर के देखा कहा गाँव घर के सब लोग ने जाकर देख देखा कि था वो लोग ने बतलाया कि जाओ ले जाओ हॉस्पिटल। कौन किया है? रामलीला ने किया है सरसा गाँव का। कब की घटना? कब? बुधवार को बुधवार कल कौन दिन है? बुधवार कल बुधवार से बुधवार शाम 6 बजे। हाँ आपको मतलब क्या नाम हुआ? मेरा सर घर गाँव बंधुपुर गाँव जो आरोप है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है।